हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है आज मैं आपके लिए जो एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करने जा रहा हूँ जो आपको पब्लिश कर रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिन वॉल्यूम प्राइस एक्शन वॉल्यूम का प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है मीस ट्रेंड एंड वेव के जो कन्फर्मेशन होते हैं स्ट्रॉन्ग जो सिग्नल्स होते हैं उसको वैलडेट करने के लिए मीस एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आए नेगेटिव एंड पॉजिटिव जैसा वॉल्यूम कुछ नहीं होता है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एंड उस वॉल्यूम के बाद प्राइस किस साइड मूव किया एंड वहां से लिक्विडिटी जिस साइड में फ्लो हुई तो वो एक ओरिजिन है वहां से अपकमिंग फ्यूचर में बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा इन डिटेल में मैंने काफी अच्छा डिस्कशन किया है ना? आप लोगों के लिए काफी अच्छे कॉन्टेंट मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर जो लोग लाखों रुपए लेकर सिखाते हैं वो कॉन्टेंट मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ हर एक रिटेल ट्रेडर की हेल्प हो सके और हम जो सिखाते हैं वो लाइव मार्केट के अंदर जो मेरे को फिफ्टीन प्लस ईर्स का एक्सपीरियंस है जो लिक्विडिटी एंड का प्राइस भी और हम वो फॉलो करते हैं हम किसी को भी नहीं कहते आप हमें ज्वाइन करिए अगर आप एक हार्ड वर्किंग है अच्छे से लर्न करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए अदरवाइज फ्री कंटेंट हमने बहुत अपलोड करेंगे और कर चुके हैं वो देखिए चीजों को समझिए और अगर मेंटरशिप चाहिए तो ही आइए हार्ड वर्किंग है तो अदरवाइज आप बिल्कुल मत आइए क्योंकि मैक्सिमम लोग सिखाने के नाम पे बेकूफ बना रहे हैं वो मोनोपली अब मैं नहीं चलने दूंगा मैं मैक्सिमम जो एनालिसिस का जो वीडियोज है जो भी आपके एजुकेशन कंटेंट है मैं आपको फ्री में यूट्यूब पर अब डालूंगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं

जाता है और बाकी आप लोगों को तो पूरा मैं सिखा ही रहा हूं। और बात तो पूरा सीखने से दो दो, सीखने से से ही बनेगा कुछ होता नहीं देखो वॉल्यूम देख रहे हो आपका इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर का चार्ट लगाना चाहिए किसका लगाना चाहिए फ्यूचर का फ्यूचर पे आपको मैंने किया था आपको, फ्यूचर के ऊपर थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ठीक है जूम आउट करके आप मेरी एक चीज को ध्यान से समझिए फिर आपको चीजें अच्छे समझ में एक वॉल्यूम देख रहे हो कि मतलब एक ये आपका एक लोएस्ट वॉल्यूम है मतलब आपका मैक्सिमम वॉल्यूम इसके नीचे है इस लाइन के नीचे है यस सर बहुत ही ट्रिक की चीज बता रहा हूं यहां पे देखना आप कि प्राइस वॉल्यूम इसके ऊपर गया है यहां से वॉल्यूम ऊपर गया है यहां से, यहां, से यहां से स्पाइक आया यहां से स्पाइक आया पास में बहुत सारे ऐसे उस, बाकी टाइम वॉल्यूम क्या है ड्रॉप है आपको बहुत अच्छी एजुकेशन है ना इसलिए आप इसको साथ में अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा काम करेगी अब क्या होता है कि ये ये जो वॉल्यूम आता है इस वॉल्यूम के जब जब जो प्राइस इसका इस वॉल्यूम ग्रीन या रेड करने का कोई मीनिंग नहीं है ये कि आपका प्राइस इससे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये मीनिंग बिल्कुल मत निकालना कोई भी क्लियर है वाली बात इससे ये कोई मीनिंग मत निकालना कि प्राइस ऊपर जाएगा आपको जस्ट एक मूवमेंट चाहिए क्या चाहिए ठीक है तो इस इस वॉल्यूम के साथ आप जो भी ये वॉल्यूम है ठीक है इस वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन का जो भी मूव आ रहे हैं जैसे मान लीजिए ये वॉल्यूम काफी ऊपर आया एंड प्राइस काफी ड्रॉप हो गया उसके बाद क्लियर है तो जहां से प्राइस गिरा था ना सॉरी जो ओरिजिन गिरा था वहां से आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा ये क्लियर है वाली बात ये हर एक टाइम फ्रेम में इंप्लीमेंटेशन होता है दूसरी चीज मान लीजिए अच्छा वॉल्यूम आया एंड प्राइस एक रेंज के अंदर चला गया उस रेंज के जिस साइड भी क्लोज देगा उसके बाद एक अच्छा बड़ा मूव देखने को मिलेगा बाकी टाइम मार्केट साइड बेच रहेगा क्लियर है ये वाली बात जैसे आज देखिए निफ्टी निफ्टी का वॉल्यूम देखिए मैं आपको निफ्टी का वॉल्यूम दिखाता हूं ध्यान से देखिए मैं चार्ट पे काफी सारे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं ये वाले वॉल्यूम कब आया अगर आप ये वॉल्यूम देखोगे तो ये वॉल्यूम यहां से लेके यहां तक आया तो इस बेसिस पे बाइंग सेलिंग ऑर्डर पैटर्न के हिसाब से देखोगे आप ये यही वॉल्यूम आया ना मतलब में इस से देखोगे तो इसके साथ हमें फिर प्राइस को देखना है मतलब सबसे बड़ा भगवान जो प्राइस ही है प्राइस और वॉल्यूम अब हमारे हिसाब से क्या है ग्रीन कैंडल है पूरी, पूरी तो किसी भी ग्रीन कैंडल के बाइंग के दोनो बेस्ट एक तो उसका मिडिली परसेंट गाउंड जो ट्रेड मैनेजमेंट में आता है दूसरा 100. आपका हंड्रेड से लेकर के एक सौ दस परसेंट तक मीन वो ट्रेप लेवल में आता है क्लियर है अगर आपका प्राइस एक्शन यहां पे होगा तो आपके लिए ऊपर की साइड सप्लाई है तो पहले टारगेट के लिए जाएंगे जाएंगे ना क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे ये भी तो देखना ना आपको ये कभी भूलना नहीं है ना कि इसका हाई ये और ये सप्लाई है तो यहां पे आया वॉल्यूम आया था ना देखो ये देखो ये ये पूरा पहले दिन से लेकर के यहाँ आया था ठीक है तो ये कौन सी कैंडल थी इस तरीके से देखना है ऐसे थी 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 ग्रीन ग्रीन नहीं रेड 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 भाई रेड़। थी। रेड़ थी। क्योंकि सारा चीजें तो हिस्टोरिकल चार्ट से मिलती हैं हम देखते नहीं है ना सारी चीजें हिस्टोरिकल चार्ट से मिलती है तो हम क्या करते हैं जो गैप अप है ना उसको उसको हम देखते ही नहीं कुछ समझते नहीं है ऐसा नहीं करना ना जो गैप अप गैप डाउन है वो भी तो एक कैंडल है देखा जाए तो अगर ओवरनाइट नहीं हुआ तो वो मूवमेंट की कैंडल ही है ना मतलब उतना उतना मार्केट ट्रेवल किया है ना तो वो आपके लिए ये वाले जो कैंडल है कौन सी कैंडल है यहां तक एक रेड कैंडल है ठीक है अब रेड कैंडल के मतलब आपका वॉल्यूम आने के बाद आपकी कौन देखो वॉल्यूम का आने के बाद हमें प्राइस एक्शन देखना है वॉल्यूम का इतना ही काम है आपको ये पता चल गया कि लिक्विडिटी कहां पे आई क्लियर है कि लिक्विडिटी कहां पे आई तो ये एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी थी थी ना, ये वाली यहां से तक तो इसके गई फिफ्टी परसेंट के आसपास देखिए फिफ्टी परसेंट के आसपास ये वाला जो ना मार्केट गिरा ना यहां से दूसरा उसका फिफ्टी परसेंट के ऊपर का ये एरिया सप्लाई हो गया तो आज भी वहां से गिरा समझ में आया कि इंस्टीट्यूशन जो क्या करते हैं वो इतना मतलब रिटेल ट्रेडर को कुछ भी नहीं आता मार्केट को क्या गैप 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 अप अप या डाउन करा दिया गैप 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 डाउन डाउन करा दिया अब अप में रिटेल को कहा पता कि वो कैंडल कैंडल दिखती दिखती है 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 ऐसे मतलब मतलब एक दिखती है। तो 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 लिक्विडिटी और वॉल्यूम के अंदर आ गया उसमें स्पाइक ठीक है? तो मतलब किसी ने तो बड़े ऑर्डर ऑलमोस्ट ट्रिपल अगर तीन गुना ऑर्डर इस कैंडल में डले हैं एवरेज वॉल्यूम के कंपैरिजन में और प्राइस उसके बाद कहां गया है नीचे या ऊपर नीचे नीचे ठीक है तो इसके जितने भी मतलब जितने भी सप्लाई जोन जो है सारे काम करेंगे ये भी काम कर रहा था क्यों भूल जाते हैं भूल नहीं जाते वो बेसिकली आता नहीं है ठीक है उसके बाद ये भी काम करेगा

आया था ना यहाँ पे वॉल्यूम आया था एंड ये प्राइस का टॉप था बॉटम था या यहाँ से प्राइस का क्या था टी टू था तो टी टू से प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ना तो अपने आप में ये भी एक लिक्विड जोन बना है ना ना इसके बाद प्राइस नीचे गया देखिए इसके बाद प्राइस नीचे गया है और आपका यहाँ पे वॉल्यूम आया वॉल्यूम आके ब्रेक एंड रिटेस्ट हुआ और वापस प्राइस यहाँ पे ऊपर गया गया ना और यहां देखिए इतना अच्छा वॉल्यूम आया इतना अच्छा वॉल्यूम आया तो पहले दिन प्राइस क्या हुआ उसके दिन गैप ऊपर तो गिरा था, गिरा था, क्यों गया क्योंकि ये जो वॉल्यूम आया था ये वाला बड़ा वॉल्यूम और उस आया था ना इस बड़े वॉल्यूम के ऊपर प्राइस क्लोज कर गया समझ में तो दोनों साइड मिलेगा वॉल्यूम

एवरेज वॉल्यूम के ऊपर एवरेज ये है ना अब इसके ऊपर ये वाले आपके काम है ना ये वाले इससे प्राइस एक्शन देख करके ट्रेड करना है, है? देखिए यहां पे अच्छा खासा वॉल्यूम आया आया ना लास्ट तीन देख लेते हैं यहां पे आया अच्छा खासा वॉल्यूम अब सिर्फ इसके बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं करनी जो टॉप डाउन अप्रोच सिखाई उसको भूल मत जाना

ये 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 वॉल्यूम जाए ये वॉल्यूम आपके हाथ में होता ना होता या नहीं होता जी सर इसके बाद ये ये वॉल्यूम आया ठीक है ये अच्छा खासा वॉल्यूम आया ऊपर गया सप्लाई बनाई नीचे आया इस सप्लाई के अंदर दोबारा ट्रेड कर लेते तीन बार ट्रेड मिले कोई दिक्कत हो रही है ट्रेड लेने में इस, इस रेंज को जैसे ब्रेक किया विद वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम कंटिन्यूसली

वो क्या करेंगे अच्छा खासा ऑर्डर डाल देंगे छोड़ देंगे अब रिटेल ट्रेडर कंफ्यूज तो मतलब लिक्विडिटी आई करें, करें. तो ठीक है तो फिफ्टी परसेंट पे ये सेलिंग जोन था हंड्रेड परसेंट पे ये था यहां से भी पैसा बना यहां से बना बताओ पैसा नहीं बना और इवन बाई में भी बना तीनों जगह पैसा बना रहे हम तो बना रहे दिख रहा है अभी फोरेक्स में सबके साथ में मतलब तो अभी मैं क्या करूँगा निफ्टी ऑप्शन कर पक्का दूंगा मतलब मेरा, मेरा है कि को के से बनाएं। किसी को और वो के बाद आप करके, करें, उसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम आए वो अगले बैच में आपकी प्रॉब्लम सुन लू और आपको दोबारा सिखा दू उससे क्या होगा एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होती है कल को जब भी हम मिले आंख से आंख मिला के बात कर सकते हैं अच्छे से बात कर सकते हैं क्योंकि मैंने अपना हंड्रेड परसेंट दिया है तो मेरा मोटिव है हर किसी, हर किसी एक 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 को सिखाना कि आप चीज सीख सीख के ना अपने दम पे करो खुद कि एक एक चीज को लाइव आप बोलो में में ऑफलाइन एजुकेशन के पॉइंट किसी भी वे में आप मुझे बोलो मैं हर एक वे में आपको एक्सपीरियंस करा दूंगा और आपको अच्छे से सिखा चाहे इक्विटी हो थोड़े दिन पहले जैसे बैंक निफ्टी को मैंने पंद्रह बीस दिन ट्रेक करवाया था लास्ट बैच में इस बार मैं निफ्टी को काफी दिन तक ट्रेक करा रहा हूं मैं आपको फोर एक्स ट्रेक करा दूंगा